बार बार एक ही सवाल सबके ही जहन में आता है सही समय ध्यान के लिए। जितने भी YouTube पे कमेंट्स आए, जितने भी पेज पे क्वेश्चंस आए, मैसेंजर में जो भी सवाल पूछे गए, सबका तात्पर्य यही था, ध्यान के लिए सही समय क्या है। ध्यान के लिए हर समय उचित है। जो ध्यानी है उसके लिए ध्यान श्वास है, और श्वास के लिए हर समय उचित समय है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप यह भूल जाते हैं कि सुबह है या शाम है या दोपहर है। प्रति समय, प्रति पल, हर पल, प्रत्येक पल आप ध्यान कर सकते हैं। मात्र भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करना है आपने। ध्यान के लिए कोई स्पेसिफिक समय है ही नहीं। जो भी व्यक्ति विशेष, आपका गुरु, आपका संगी साथी आपको ध्यान के लिए समय बता रहा है और मेंशन कर रहा है कि यह ध्यान आपको 4:10 पे करना है, समझ जाइए कि आपका धूर्त बना रहा है, आपका मूर्ख बना रहा है। सदैव समय है ध्यान के लिए। प्रत्येक पल, हर क्षण जो बीत रहा है, जो इस काल चक्र में आप ध्यान कर सकते हैं। कुछ ध्यान की क्रियाएं हैं जो कुछ मठों ने, कुछ धार्मिक गुरुओं ने, कुछ आध्यात्मिक संतों ने बनाई हैं, जो केवल और केवल एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर समय के लिए हो सकती हैं। जैसे कुछ इनका समय निश्चित किया गया है, जिनमें जैसे सुबह की कुछ ध्यान क्रियाएं हैं जिनमें बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, जिनमें बहुत क्षमता चाहिए होती है अपने भीतर की ताकत को, चेतना को एकत्रित करके केंद्रित करने के लिए। ऐसे कुछ ध्यान हैं जो मात्र सुबह के समय में किए जाते हैं, और ऐसे ही कुछ ध्यान भी हैं जो शाम को किए जाते हैं, जिनको हम यूज करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। हमें रिलैक्स होना है तो रिलैक्सेशन के लिए हम कुछ ध्यान यूज करते हैं, उनको शाम को किया जाना चाहिए। परंतु ध्यान के लिए कोई समय नहीं है। विधि आपको मालूम है, आप कौन सी विधि से कौन सा ध्यान कर रहे हैं, तो इस चक्कर में, इस आडंबर में बताइएगा कि ध्यान के लिए एक समय चाहिए कि फला समय ही ध्यान के लिए उचित है, वहां फंस जाएंगे आप। आपने सोचा नहीं कि ध्यान के लिए कौन सा समय उचित है और आप फंसे नहीं। प्रत्येक समय ध्यान के लिए उचित है, सही है, जब आप अपनी चेतना को केंद्रित कर सकते हैं। प्रत्येक क्षण, प्रतिपल आप ध्यान कर सकते हैं। जिस जो भी व्यक्ति इस चक्कर में आते हैं कि ध्यान के लिए 2 करना है, 4 करना है, 6 करना है, ध्यान कोई कार्य नहीं है आपको करना है, कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्क नहीं है जो आपको असाइन किया गया है आपके बॉस की तरह कि इतने बजे तक हो जाना चाहिए। ध्यान तो रूपांतरण है आपकी ऊर्जा का उस परमपिता परमात्मा की ओर। आपकी ऊर्जा वासनाओं में बह रही है, आपकी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, उसी ऊर्जा को ऊपर उठाने की विधि का नाम है ध्यान। कोई समय, कोई भी व्यक्ति विशेष इस ध्यान को कर सकता है। ध्यान के लिए अगर आप समय के चक्कर में उलझे, अगर आप ध्यान के लिए किसी समय को खोजने निकले, तो आप ध्यान से भटक जाएंगे और आप समय के चक्कर में फंस जाएंगे। प्रति पल ध्यान करें, हर क्षण ध्यान करें, परंतु स्मरण रहे कि आपकी ये देह जो है वो ध्यान करने के लायक हो। आप अंगड़ाइयां ले रहे हैं, आप जमाइयां ले रहे हैं, आप थके हुए हैं, आप टूटे हुए हैं, और आप ध्यान कर रहे हैं, तब आपसे ध्यान होगा ही नहीं, तब आपसे ध्यान हो ही नहीं सकता, ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, ध्यान के लिए देह का होना जरूरी है और देह का साथ देना जरूरी है। थके हुए हैं, नींद आ रही है, कहीं चोट लगी है, कैसे में ध्यान कर पाएंगे आप? देह का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर देह ही साथ ना दे, अगर मैं देखता हूं कुछ लोगों को बहुत मोटे हैं, बिल्कुल पेट निकला हुआ है, और बैठे विपस्सना कर रहे हैं, श्वास को आते देख रहे हैं, जाते देख रहे हैं, मात्र और मात्र आलस के कुछ नहीं है, और
आलस है, आप हिलना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटापा शत्रु है, मोटापा ऐसा कोई नकारात्मकता नहीं है कि आपको भगवता मिल ही नहीं सकती, परंतु अगर आप सही रूप में ध्यान करना चाहते हैं, आप ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो समझिए ध्यान हर क्षण है, हर पल है, प्रति पल आप ध्यान कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं हैं, कुछ विशेष क्रियाएं हैं, अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जो आप सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। मात्र इतना जहन में रहे, जो एक्सरसाइज के रूप में की जाए, जो इस शरीर में ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए की जाए, जिनसे आप बोल सके कि आपकी वर्जिश हो गई है, ऐसी जिनमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है, वो क्रियाएं सुबह की जाए। योग के बाद किया गया ध्यान बहुत फलित होता है। जब सुबह आप योग करते हैं, आप कोई भी आसन करते हैं, भिन्न भिन्न तरह के आसन बताए हैं, आप कोई भी आसन करते हैं जिससे आपकी शारीरिक समर्थता बढ़ती, रात को जो ध्यान किए जाएंगे आपको रिलैक्स करने के लिए किए जाएंगे, कि आप उतर सकें भीतर की गहराई में। जो भी व्यक्ति विशेष रात को ध्यान करके सोता है, यह हो ही नहीं सकता कि उसको नींद ढंग से ना आए, यह हो ही नहीं सकता कि वो डिप्रेशन में जाए, पॉसिबल ही नहीं। रात का ध्यान ऐसे बना लें कि जैसे आप रात को अपने दांत साफ करके सोते हैं, वैसे ही आप रात को ध्यान करके सोते हैं। ध्यान बहुत काम आने वाला है आपके। हर लफ्ज बोला जाता है, हर समय बोला जाता है कि ध्यान से ये करो, ध्यान से वो करो, ध्यान से ये करो, ध्यान से ये करना। आपने सुना होगा पुरानी कथाओं में कहा जाता था कि बेटा अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। जिसने अपना ध्यान कर लिया, जिसने अपना ख्याल कर लिया, उसको भगवान की सृष्टि का हर नियम सहजता के साथ, सरलता के साथ हासिल हो जाएगा। ध्यान के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, ध्यान के लिए कोई विधि निश्चित नहीं है। ध्यान के लिए जिस दिन आप समय निश्चित कर लेंगे, विधि निश्चित कर लेंगे, आप अडंबर में फंस जाएंगे। ध्यान तो प्रति पल है, प्रति क्षण है।